सख्त है। देखिए ना, सिमी जान कहते रहते, लेकिन मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाया। इससे तो ऐसा ही लगता है ना कि आपको मेरी कदर ही नहीं है। अच्छा, मेरी कदर नहीं है, हाँ मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। ना सिमी जान, खुदारा ऐसा जुल्म ना करें। आपके बगैर वजूद अधूरा है हमारा। हाथ छोड़िए, तो पैर पकड़ लेंगे आपके, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे सिमी जान। खाली मेरा पैर छोड़िए। ना पैर छोड़ेंगे ना आपको जाने देंगे। मेरा पैर छोड़िए अताली। ना सिमी जान, ना आपको हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। दिल करता है कि तुझे भी गुड्डा बनाकर खत्म कर दो, लेकिन कर नहीं सकते। जादूगर को ढूंढने के लिए जरूरत पड़ेगी तेरी। वक्त ने कभी पहले इतना बड़ा इम्तिहान नहीं लिया मेरा। नहीं छोड़ेंगे आपको, हम आपको जाने नहीं दें। सिमी जान कहाँ चली गई? सिमी जान कहाँ चली गई? भाईजान, ये मददगार कौन हो सकता है? क्या आपको लगता है वो बाबा हो सकता है? नहीं पोया, वो अली नहीं हो सकता। ये देख, उस मददगार साई ने ना मुझे चिट्ठी लिखी थी, और ये लिखावट अली की तो है नहीं। पर वैसे भी अली होता तो मेरे सामने आता ना, ऐसे चिट्ठी थोड़ी ना लिखता। सामने तो वो मेरे भी नहीं है, पापा नहीं है, तो कौन है वो? फिर भी सोचे भाईजान, अगर वो बाबा नहीं है तो कौन हो सकता है? कौन कौन है? सोचो भाईजान, सोचो, दिमाग की छतरी घुमाओ। वो बाबा नहीं है तो कौन है? दिमाग पे जोर लगाओ। भैया, तू ये गाना क्यों गा रहा है? मुझे लगा जैसे बाबा के सामने कुछ भी गुनगुना दो तो उनका दिमाग चलने लगता है, तो मुझे लगा आपके साथ भी यही होता हो। होया, वो अली है, गाना सुन के कोई ना कोई तरकीब निकाल लेता है, पर मैं अली नहीं हूँ, और मुझे सच में नहीं पता कि ये नकाबपोश मददगार है कौन। सिमी जान, सिमी जान कहाँ चली गई? सिमी जान, सिमी जान, सिमी जान, सिमी जान, रुक जाइए सिमी जान, आप हमें छोड़ के मत जाइए। अरे हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान तक दे सकते हैं सिमी जान। नहीं नहीं, भाग अब्दाली अपनी जान बचाकर, वरना ये साया फिर से तुझे गुड्डा बना देगा। दादी आप फिक्र मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अरे खाना खा लेना, भूखे मत रहना। अली, बाबा की याद आ रही है ना, मुझे भी आ रही है, इसलिए तो ढूंढने जा रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, बाबा आ जाएंगे। वो क्या वापिस आएगा बेटा? वो यही है हमारे आसपास। खुशू भाईजान, उठो, कोई सुराग मिला? होया, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। आप मेरे तरफ चल रहे हो और मैं उल्टी तरफ चल रहा हूँ। अब बताओ क्या चल रहा है?
तुम्हारे और खुसरो के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी? कौन सी खिचड़ी? मैं तो खिचड़ी खाता ही नहीं। चुप। खुसरो नींद में बड़बड़ा रहा था। मदद करनी है हमें पोया। कौन है वो पोया? किसकी मदद करनी है? क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। कसम से। किसकी कसम? चालीस चोरों की कसम। बाबा की कसम खाओ। बाबा की कसम खाओ। भाईजान, आप खुसरो भाईजान से ही पूछ लो ना। उसकी तबीयत खराब है, वो सो रहा है। तुम बताओ। खाना ही मेरी कमजोरी है, चाहे वो कोरमा हो या फिर कसम। मैं बताता हूँ आपको। कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? भाईजान, इतना सब हो गया इसलिए तो नहीं बताने का वक्त मिला आपको। और भाईजान, आप सो भाईजान को मत बताना कि मैंने आपको ये सब बताया है। ठीक है, लेकिन एक शर्त में। कौन सी शर्त? आज के बाद मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। पक्का? पक्का। सिमी जान को काला साया उठाकर ले गया। जो भी सिमी जान की गुड़िया को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम में 1,000 दीनारें दी जाएंगी। अब्दाली सदरे परवास। ये तो बड़ा जालिम है, सिमी जान को भी उठा के ले गया। मोहल्ले से रौनक चली गई मोहल्ले की, हमारी खुशी देखी नहीं गई। जलनखोर साए से मेरी जान, मतलब सिमी जान, पता नहीं कैसी होंगी, किस हाल में होंगी। इसकी हरकतों से नहीं लगता कि इसी की वजह से सिमी भाग गई। बूढ़े अहमक इंसान, खबरदार जो इस कसम की उलझुल बकवास की तो। अरे हमने खुद अपनी आंखों से देखा है उस काले साए को हमारी सिमी जान को ले जाते हुए। भाईजान, खुसरो भाईजान ने मुझे बताया था वो मदद कर उनको गुड़िया नकल दे रहे हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए, शायद उन्हीं के पास सिमी जान की गुड़िया हो। वो गुड़िया हमें दे देंगे और हम गुड़िया अब्दाली को दे देंगे, जिससे अब्दाली हमको 1,000 दिनारी दे देंगे। वो दिनारी में नाजिया भाभी को दे देगा। मेरा मतलब है नाजिया भाभी को दे दूंगा पापा के आने तक, ताकि वो अच्छे से घर चला सके। बेटा, जितनी समझदारी तुम अब दिखा रहे हो इसकी आधी समझदारी पहले दिखा के मुझे ये सब बातें नहीं बता सकते थे। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो नकाबपोश मददगार मिलेगा कहाँ, और तुम ही ने कहा था ना कि वो अपनी मर्जी से ही आता है। हमें उसके भरोसे नहीं रुकना चाहिए। भाईजान, अब हम क्या करेंगे? सिमीजान की कुड़िया हमें कहाँ मिलेगी? बोया, हमें मौका वारदात पे जाना चाहिए, वहाँ कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सही कह रहे हो भाईजान। चलिए, अब 1,000 दिनारी दो नहीं है। सोचा था कि पापा को ढूंढने के लिए काबुल निकल जाऊंगा, लेकिन पहले सिमीजान को बचाना पड़ेगा। पापा ने मुझे बोला था कि उनके बाद घर का मर्द मैं ही हूँ। अब जब पापा परवाज में नहीं है तो परवाज के लोगों की मदद करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे ये काला साया सिमी जान को किस जगह से उठा कर ले गया था? हमारे घर के पास वाली गली से। तरीबा भाईजान, कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। हाँ बोया, बस अपनी नजरें चौकन्नी रखना। हाँ बोया, पैर के निशान।
बस यहीं तक है? इसका मतलब साया सिमी जान को यहीं से उठा के ले गया होगा। ओया, क्या ये सिमी जान का है? हाँ, ये तो सिमी जान का ही है। और कोई सुराग? तरीवा भाईजान, वो देखिए। ये कहने सिमी जान का है। मुझे याद है, यूनिक है। ओया, हम दोनों परवास से बाहर आ गए हैं, तुम यहाँ से वापस चले जाओ बेटा। भाईजान, ये साया और परवास के बीच की जंग है जिसमें हम दोनों साथ हैं। मैं वापस नहीं जाऊंगा, और वैसे भी मेरा एक उसूल है, शाही खाना या फिर जंग। एक बार आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं देखता। बातें बनवा लो तुमसे बस। ठीक है, चलो। भाईजान रुकिए। अरे, अभी कह रहे थे कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, और अभी पीछे देखने लगे। भाईजान, मुझे लगा मेरे थैले से कुछ गिर गया है, इसलिए पीछे मुड़ के देखा, लेकिन नहीं गिरा है कुछ। चलिए आ जाओ। भाईजान, वो देखिए, ऐसा लग रहा है यहीं से सिमी जान को खसीट के लेके गए हैं। चलो भाई जान, एक बात पूछूं, बाबा कब से परवाज में नहीं है? काले साये के हमले के बाद भी वापस नहीं आए। हमें उनकी आदत पता है, वो खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी को बचाना नहीं। कहना क्या चाहते हो? यही कि उस काले साये के हमले के बाद भी बाबा हम सबको बचाने नहीं आए, लेकिन वो नकाबपोश मददगार आ गया। ऐसा तो नहीं कि वो नकाबपोश मददगारी बाबा? नहीं भैया, अगर ये नकाबपोश अपना अली होता तो हमारे सामने आता, हमसे छुपता क्यों? लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन कभी कभी लगता भी नहीं है। बाबा कहाँ है, कब आएंगे? आ जाएंगे भैया, चलो चलो। बोया, मेरे करीब आओ। भाईजान, हम निशान के सहारे हम यहाँ तक तो पहुँच गए। हम लोग ने ये नहीं सोचा अगर काला साया यहाँ आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। कुछ नहीं होगा बोया, घबराओ नहीं, आ जाओ। मेरे वो निशान वो गहने रखवाले के लिए छोड़े थे। बड़ा शौक है ना रखवाले को बचाने का, इन निशानों से होते हुए खुद ब खुद फंसेगा रखवाला मेरे जाल में। ये दोनों बेवकूफ क्या कर रहे हैं यार? कहीं इनके पीछे पीछे परवास की पूरी फौज ना आ जाए और मेरा पोलना खुल जाए। नहीं, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ही असली काला साया। अगर ऐसा हुआ रखवाला चौकन्ना हो जाएगा और उसे पकड़ने का मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। तुम दोनों की नियत पसंद आई मुझे, लेकिन फिर भी
मेरा खेल बिगाड़ने की हिमाकत की है तुम दोनों ने, अब सजा तो मिलेगी। मेरी आंखों में देखो, मदद करो, मेरी मदद करो। मदद कीजिए मेरी, उस साये से बचाइए मुझे। तो मेरी मदद करो, बचाइए मुझे। पोया, पोया, तुम ठीक हो? हाँ भाईजान, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वो काला साया हमें मारने ही वाला था, लेकिन कुछ धमाका हुआ और हम लोग बच गए। भाईजान ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा पोया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं है। हमें फौरन यहाँ से चलना चाहिए, अब तो सूरज भी ढलने वाला है। चलो चलो चलो। पर माफ करना मुझे, बचाने के लिए इनाम में मौत ही मिलेगा तुम्हें। शुक्रिया।
आंखें खोलिए, उठिए। बेचारा रखवाला फंस गया मेरे जाल में, अब तेरी रखवाली कौन करेगा।